दुबई में रहने वाली भारतीय मूल की 14 वर्षीय सुचेता सतीश ने ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 जीत लिया है। सुचेता को यह पुरस्कार एक संगीत समारोह में सर्वाधिक भाषाओं में और सबसे लंबे समय तक गाने के लिए मिला है। शुक्रवार को दिल्ली में उन्हें ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुचेता सतीश के साथ 99 अन्य बच्चों को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुचेता को गायन श्रेणी में यह जीत हासिल हुई है। मूल रूप से केरल की रहने वाली सुचेता सतीश दुबई के इंडियन हाई स्कूल की छात्रा हैं। वह 120 भाषाओं में गा सकती हैं। उन्हें दुबई इंडियन हाई स्कूल की कोकिला के रूप में भी जाना जाता है। सुचेता ने 25 जनवरी 2018 को दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास सभागार में अपना दोहरा विश्व रिकॉर्ड बनाया था। उस समय वह 12 साल की थी और उन्होंने 6.25 घंटे में 102 अलग अलग भाषाओं में गीत गाया था। वर्तमान में वह 120 भाषाओं में गा सकती हैं और हाल ही में उन्होंने अरबी में अपना दूसरा एल्बम जारी किया है। अपनी जीत के बारे में बात करते हुए सुचेता ने कहा कि मुझे मेरे दो कीर्तिमानों के लिए पुरस्कार दिया गया है। एक में मैंने एक कंसर्ट में सर्वाधिक भाषाओं में गाने का कीर्तिमान बनाया और दूसरा रिकॉर्ड सबसे लंबे समय तक सीधे प्रसारण में गाने का था। मैंने ये कीर्तिमान 12 साल की उम्र में दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास के सभागार में बनाए थे, जब मैंने 102 भाषाओं में 6 घंटे से अधिक समय तक गाया था। गायन के साथ ही पढ़ाई जारी रखने के बारे में पूछे गए सवाल पर सुचेता ने कहा कि मैंने प्रतिदिन रियाज करने का नियम बनाया है और भगवान की कृपा से बिना पढ़ाई को प्रभावित किए मैं ऐसा कर पाती हूँ। सुचेता ने हाल ही में मलयालम सुपरस्टार ममूटी और अभिनेता उन्नी मुकुंदन के साथ अपना दूसरा एल्बम या हबीबी भी जारी किया है। सुचेता छोटी सी उम्र से ही संगीत का रियाज कर रही हैं। वह स्कूल में अरबी भी पढ़ रही थी, इसलिए उनके लिए इस भाषा में गाना आसान था, लेकिन इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वह अभी तक जारी है। उन्होंने 2016 से विदेशी भाषाओं में भी गीत गाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि पहले वह हिंदी, मलयालम व तमिल जैसी भारतीय भाषाओं में ही गीत गाती थी। इसके अलावा वह अपनी स्कूल प्रतियोगिताओं में अंग्रेजी में भी गीत गाती थी, लेकिन एक दिन पिता की एक जापानी दोस्त से मिलने के बाद उन्होंने जापानी भाषा में गाना शुरू किया। अंग्रेजी के बाद जापानी वो पहली विदेशी भाषा थी जिसमें उन्होंने गाना सीखा। सुचेता ने बताया कि फ्रांसीसी, हंगेरियन और जर्मन भाषाओं में गीत गाना सबसे कठिन था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वायर। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें।